मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे ऐसा लगता है ये फिल्म अवार्ड मिलना चाहिए इसको, और सिर्फ फिल्म फेयर नहीं उस राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अलग हटके और बहुत अच्छी फिल्म है और बहुत नेचुरल है। मतलब अगर कोई बड़े इंसान की बात करें ना, अब्दुल कलाम या कोई भी, मतलब जो है हमारे यहाँ के नामचीन लोग, वो बस कहीं गरीबी से ही पढ़ के ऊपर आए हैं। मतलब इतने लाखों में कोचिंग क्लासेस ये सब होता है, लेकिन जो आप देखोगे ना टॉप पर है ना, वो सब गरीबी से पढ़ के और मुश्किल से आए हैं। हाँ वही तो, मतलब अब्दुल कलाम जैसे ही, मतलब बहुत सारे इवन एक्टर्स को भी देखेंगे ना, जो सब नीचे से आए हैं, जो गरीबी से उठ के आए हैं, उन्होंने ही ऊपर जाके नाम बहुत कमाया है। तो पिक्चर में एक ये प्लस पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर आदमी में जुनून हो ना, तो कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, कोई आदमी मेहनत करके अपना मतलब मकसद हासिल कर सकता है। और सेकंड बात मुझे ये अच्छी लगी कि बहुत सारे लोग हिंदी बोलते हैं या अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, तो कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं कि उनको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन इस पिक्चर ने बताया कि इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपके दिमाग तेज है तो वो बहुत मुझे अच्छा लगा। और विक्रांत मैसी की एक्टिंग तो मतलब एकदम लाजवाब, तो वो तो हीरो थे, पूरी पिक्चर उन पर टारगेट थी। लेकिन मुझे और एक अच्छी बात ये लगी कि जितने लोग थे उनके साथ, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। और मतलब है ना, मैंने देखा कि जो बाहर के लोग होते हैं आउट ऑफ इंडिया के, वो ना दोस्तों को बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब एक बार प्यार भी किया तो प्यार निभाते हैं। लेकिन मैंने देखा शहरों में लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, हाँ मतलब ही होते हैं, तो वो मैंने ये जो गांव की, छोटे गांव की स्टोरी दिखाई, उसमें ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। तो फिल्म में ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि अगर दर्शक आके देखेंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे। हाँ क्या कहने का, किस तरीके का डायरेक्शन है, टेक्निकल चीज़ें, म्यूजिक वगैरह के बारे में? मतलब डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है और बहुत नेचुरल है। मतलब एक जो छोटे शहर के लोग होते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे डरते हैं, वो सब दिखाया है। और अगर बड़ी जगह पे चले गए तो उनको चलने फिरने को भी नहीं होता है वैसा, तो मतलब वो टाई नहीं उनसे गले की ठीक से हो रही होती है, जूते नहीं पहन पाते, तो एक मतलब बहुत छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान दिया है, तो डायरेक्शन अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। हाँ मतलब अगर ऐसे अभी मैं आई जैसे पिक्चर देखने, तो मुझे ऐसा नहीं, कुछ होप्स नहीं थी, मैंने सोचा 12th फेल पिक्चर है तो होगी मतलब कुछ ऐसे अलग टाइप की, लेकिन इतनी अच्छी होगी वो यहाँ आने के बाद पता चला मुझे। मैं तो बोलूँगी ज़रूर ये फिल्म, ये टाइटल पे ना जाए या स्टार्स पे ना जाए कि कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं है, पिक्चर देखने ज़रूर आए तो कुछ उनको अच्छा देखने को मिलेगा। मैं 4.5 तो दूंगी उनको स्टार्स। हाँ मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ यार, जैसे मैं सबको ही बता रही हूँ कि फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, काफ़ी इंस्पायरिंग मूवी है, जैसे कि इसका टाइटल में ही है, हार नहीं मानूंगा। सो आई थिंक हमारे देश में किसी को भी हार नहीं मानना चाहिए, बीट एनीथिंग। यार इंग्लिश नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है, 12th में फेल हो गए हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा डिवीजन नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपको खुद से कभी हार नहीं मानना है। क्या करना है आपको, यहाँ पे नीचे दिखा सकते हो #restart। तो सोशल मीडिया पे आजकल हम #hashtag के बड़े सारे मैसेजेस देखते हैं, लेकिन आई थिंक अगर ये अप्लाई कर लेना लाइफ में तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता। प्रॉब्लम्स स्ट्रगल्स आती हैं, लेकिन कुछ लोग उसको बहाना बनाते हैं, कुछ लोग उसको कामयाबी बनाते हैं। आई थिंक विक्रांत मैसी एज एन एक्टर ही हैज़ डन इट, एंड एज अ मेकर विधु विनोद चोपड़ा हैज़ प्रूव्ड इट। सो यस, सबसे ज़्यादा मुझे जो इस फिल्म का मैसेज है वो इंस्पायर किया है कि एक लड़का जिसने चीटिंग करके 12th का एग्ज़ाम पार किया, आपकी ऑनेस्टी आपको आगे ले जाती है। मतलब कई बार सोचते हैं ना कि मतलब इंटरव्यूज़ में जाते हैं या कहीं, आप लोग जाते होंगे, मुझे तो आजकल कम जाना पड़ता है इंटरव्यू में, जाने की कोशिश ही करती रहती हूँ, है ना, कुछ हो नहीं पाता है, लेकिन कोई बात नहीं। बट देन वहाँ पर जाके आपको चाहे कोई कुछ भी बोल रहा, आपको सिर्फ अपने दिल की सुननी होती है। कई बार होता है ना, आपको बोला जाता है यार इतने इमोशनल मत बनो, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारी लाइफ में, लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से सोचोगे तो इमोशनल होना कोई गलत बात नहीं होती। लेकिन हाँ, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, बट जितना ऑनेस्ट रहोगे लाइफ में उतना ही अच्छा होगा। और यही मैसेज दिया है हमको विक्रांत मैसी ने, दैट टच्ड माय हार्ट, जो मुझको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। एंड विक्रांत मैसी तो मुझको हमेशा इम्प्रेस करते हैं, मैं बोलती ही रहती हूँ कि विक्रांत इज़ लाइक, मतलब वो आप उनकी मुस्कुराहट देख रहे हो, कितनी सच्चाई है उनकी इस स्माइल में भी, ही हैज़ दैट इनोसेंस। एंड द गर्ल, मतलब जो इनके साथ श्रद्धा का किरदार कर रही हैं, और देखा कि उन्होंने इनकी लाइफ को, मनोज कुमार शर्मा उनकी लाइफ को कैसे बदला है, आई मीन वाओ, एज एन एक्टर ही सुपर्ब, इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री। एंड आई ऑलवेज टेल हिम वाइल टॉकिंग टू हिम, वाइल इंटरेक्टिंग टू हिम, कि यू आर वन एफर्टलेस एक्टर दैट आई हैव एवर सीन, एंड आई वांट टू सी हिम डूइंग मोर, लाइक अचीविंग मोर।
आई वांट टू सी हिम लाइक हियर. अभी उनको लोग जानने लगे, उनको और भी तरह के रोमांटिक किरदार करते हुए हमने देखा है. दिस इज वन न्यू कैरेक्टर दैट ही हैज प्लेड एंड ही एज ही हैज प्रूव्ड इट दैट ही इज द बेस्ट. क्या बात है, जैसे कि हमने देखा है कि फिल्म एक एजुकेशनल पर चीजों के ऊपर, जैसे यूपीएससी के बारे में बताती है, आईपीएससी के बारे में बताती है. विक्रांत मैसे ने किस तरीके का कहा किरदार निभाया है एज ए मनोज कुमार, और किस तरीके से, मतलब जैसे कि हमने उनको सुना है कि उन्होंने वजन वगैरह घटाया था, तो डिड ही गिव द जस्टिस टू द यू नो ओरिजिनल कैरेक्टर, उन्होंने जस्टिस दी है? डेफिनेटली येस. मतलब एक ऐसा किरदार करना जो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, पहले तो उसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी और बढ़ जाती है इन टर्म्स ऑफ ऑथेंटिसिटी, कि आप जो मैसेज देना चाहते हो वो प्रॉपरली पहुंच पाएगा नहीं या नहीं. और दूसरा, जिसका किरदार आप कर रहे हो उनके सेंटिमेंट्स को कोई हर्ट नहीं, बिल्कुल भी हर्ट नहीं होना चाहिए. तो विक्रांत ने अपने एक इंटरव्यू में, मतलब जब मैंने उनसे इंटरेक्शन किया था फॉर दिस फिल्म, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ही मेट मनोज कुमार शर्मा, एंड मनोज कुमार शर्मा इन रियल लाइफ, आईपीएस मनोज कुमार शर्मा इज अ वेरी नाइस पर्सन. उन्होंने उनको बहुत कुछ लाइक खाना खिलाया एंड देन अपने साथ बिठाया, बातें किया, बींग सो बिजी. ही इज ऑल्सो वेरी बिजी स्टार, है ना, एज एन एक्टर. वो गए टाइम निकाल के, एंड पूरा 200% देना किसी मूवी में आसान बात नहीं होती. एक एक्टर का किरदार मतलब लाइफ जीना भी बहुत आसान नहीं होता. यू हैव टू गिव इट, गिव योर 200 क्या योर 500% इन टू अ कैरेक्टर, एंड ही हैज डन इट ऑल. बहुत बहुत हर बार मुझे इंप्रेस करते हैं, जितना बोलूँ उतना कम है इनके लिए. सीन बहुत सारे सीन्स रहे यार, मैंने तो रिकॉर्ड भी कर लिए हैं. मैंने कहा चाहे मुझे जेल हो जाए लेकिन मैं रिकॉर्ड करके मानूंगी. लास्ट से शुरू करती हूँ. लास्ट मतलब सारे तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ मुझे लास्ट सीन बहुत इमोशनल लगा. द वे ही फेल डाउन एंड देन उनको जो उन्होंने बोला ना, अरे मेरे तो कानों में अभी तक है, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा इसका, है ना, तो वो वाला तो बेस्ट मोमेंट था. बेस्ट मोमेंट्स से थोड़ा सा कम कह सकते हैं क्योंकि उसके बाद बेस्ट मोमेंट आना था. एंड देन द वे ही एक्टेड ऑन दैट एंड उनके जो एक्सप्रेशंस थे ना जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं एज एन आईपीएस, सो दैट वाज, वो बहुत ही अच्छा था. उससे पहले भी जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, दैट सीन आई लाइक्ड वेरी मच. एंड उससे पहले जब वो लाइब्रेरियन को चप्पल उठाते हैं और कहते हैं कि चोर नहीं है मेरा बाप करके, तो मतलब लाइक मेनी ऑफ द मोमेंट्स आई लाइक टच्ड माय हार्ट. और मुझे लगा कि हाँ वो ऑनेस्टी उनका नजर आता है जब भी वो स्क्रीन पे होते हैं. क्या लगता है जब लोग इस फिल्म को देखेंगे तब उनको फिल्म पसंद आएगी? ऑफ कोर्स पसंद आनी चाहिए. मतलब देयर इज डिफरेंट ऑडियंस हमारे देश में, तो जिनको मुझे लगता है इंस्पिरेशनल मूवीज़ पसंद है लाइक मी, मुझे स्टारी मूवीज़ भी बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे इंस्पिरेशनल मूवीज़ भी बहुत अच्छी लगती हैं जिनमें कोई मैसेज होता है, तो विधु विनोद चोपड़ा सर की ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगती है. और हमेशा से मतलब मैं उनसे मिलना भी चाहती हूँ, उनके काम की तारीफ हमेशा मैं से करते आए, उनसे बात करना चाहती हूँ. सो बींग अ जर्नलिस्ट, बींग एन एंकर, बींग अ टेलीविजन प्रेजेंटर, मुझे मौका मिलता रहता है कि मैं बात कर पाऊँ. बट येस, मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ ये कि मैंने विधु सर का कभी भी इंटरव्यू नहीं लिया. आज मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि सक्सेस पे ही सही, लेकिन एक बार सर मुझसे बात कर लीजिएगा. बिकॉज आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू फॉर ब्रिंगिंग सच सब्जेक्ट इन टू लाइट, और इस तरह के सब्जेक्ट्स पे काम होना चाहिए. मतलब देखने सुनने में लगता है यार कितने लोग आईपीएस बनना चाहते हैं, कितने लोग आईएएस का एग्जाम देते हैं और सिलेक्ट कितने हो पाते हैं. हमने कई वेब सीरीज भी देखी है ना, और हमने कई मूवीज भी इस पे देखी हैं, लेकिन हर मूवी का जो एग्जीक्यूशन होता है वो अलग होता है, हर फिल्म मेकर का जो विजन होता है वो अलग होता है. एंड ही हैज टेकन इट ऑल, उन्होंने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया और बहुत अच्छे से फिल्म बनाई है. सो ऑल कॉन्ग्रेट्स टू द एक्टर्स, स्पेशली विक्रांत मैसी एंड विधु विनोद चोपड़ा. या एज आई सेड कि ऑडियंस को इस तरह की मूवीज भी देखनी चाहिए. इट्स ऑल अबाउट रीस्टार्टिंग, नॉट जस्ट योर किड्स, यू ऑल्सो शुड सी. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में हम क्या कर रहे हैं, है ना. कई लोग नौकरी कर रहे हैं सिर्फ करने के लिए, काम करने के लिए. कई लोग मान लो बम्बई आए हैं, काम कर रहे हैं पैसे के लिए, जहाँ पैसा मिलने लग जाता है. लेकिन वॉट यू वॉन्ट टू डू, दैट्स इनसाइड यू, वो आपके अंदर है. आपको क्या करना है आप डिसाइड करो, और कुछ भी करने की कोई उम्र शुम्र नहीं होती है. आप जब जहाँ से चाहो वहाँ से रीस्टार्ट कर सकते हो, है ना. मतलब जीरो से भी रीस्टार्ट कर सकते हो, माइनस से भी रीस्टार्ट कर सकते हो. सो यू ऑल शुड डू दैट. तो मैं तो यही मैसेज दूंगी. और स्टार्स मैंने ऑलरेडी दिया, 5 में से 4 दिया था, 0.5 और बढ़ा दिया था, अब 4.5 ही रखती हूँ उसको. तो 4.5 स्टार्स फ्रॉम मी, एंड मैं तो 5 में से 5 भी दे सकती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आई लव विक्रांत मैसी. यस यस.